अभी जो मुझे लोकेशन मिला है वो सी बीच तो नहीं है, बट उससे बुरा भी नहीं है। एक्चुअली आप देख पा रहे हो मैं जिस रूट को अभी ले रहा हूँ, थोड़ा चढ़ाई है, मीन्स कि चढ़ना पड़ेगा मुझे, और एंड ऑफ लोकेशन तो मैं आ ही जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। और हाँ, बट यहाँ से मुझे समुंदर का किनारा ज़रूर दिखेगा और समुंदर सारे दिखेंगे। ये वो स्पॉट है, सारे पेड़ हैं यहाँ पे नारियल के, पता नहीं इसमें से नारियल कब गिरेगा नीचे। और वो दूर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो समुंदर है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं पिच करूँगा, और ये मेरा बैकपैक, एंड मैं थोड़ा सा आपको समुंदर का व्यू दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो, मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी और का प्रॉपर्टी आ जाएगा वहाँ पे। एंड वो रहा समुंदर, और अगर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लूँ तो ओके, अभी आप देख पाओगे। बट ये जंगल है यहाँ पे, इस पूरे साइड में जंगल आ जाता है, और बस ये ही एक पॉइंट है जहाँ से आप समुंदर को देख सकते हो। एंड चलो फिर चलते अपने टेंट की ओर। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, और मैंने टेंट भी अभी सेटअप कर लिया है। एंड आप देख पा रहे हो ये मेरा टेंट है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, और मैं आसपास के आपके आपको थोड़ा दिखा देता हूं लोकेशन कैसा है। ये चारों तरफ अगर आप देखोगे तो जंगल से घिरा हुआ है ये पूरा साइड आपको, और कुछ कुछ नारियल पेड़ दिखाई देंगे,
और वो जो प्लेस दिखाई दे रहा है वहां से, वो जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, जो कुछ बीच की तरह, बट वो बीच नहीं है, समुंदर है। वो समुंदर का लोकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पे आइए। एक्चुअली ये रहा आपका वो प्लेस, वो ये इतना सा जो छोटा सा प्लेस दिखाई दे रहा है ये पूरा समुंदर है, एंड थोड़ा और आगे जाने से वहाँ पे बीच आपको मिलेगा, बट ये जो एरिया है ये थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप में आ जाता है, जहाँ पे आपको जंगल दिखाई देंगे, चारों तरफ से जंगल होगा, नारियल पेड़ जंगल इन सभी चीज़ों से घिरा हुआ है, और बीच में हल्का सा एक स्पॉट है जिस स्पॉट में आप यहाँ पे थोड़ा सा आके चिल कर सकते हैं, एंड वेदर का और नेचर का आप नेचर से एंटरटेन हो सकते हैं, एंड मैंने इसीलिए इस स्पॉट को चुना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है, वो शायद आपको कोई चीज़ याद दिलाए अगर आप लोगों ने देखी हो तो, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट पता है कि आप सबों ने देखा है, और वो जो चीज़ है, लुक एट दिस, आपको इस चीज़ को देख के कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जुरासिक वर्ल्ड में यूज़ किया हुआ जो क्या कहते हैं, फोर व्हीलर टू स्कूटी होता है, या बाइक कह लो इसे, जैसे भी टाइप में, और जो सायरोसॉरस के पीछे जो ट्रैवल हो रहा था ये वही है, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो चुका है, और ये यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है तब से, एंड आप इसकी हालत देख सकते हो, अब बिल्कुल डैमेज की हालत में नहीं है, और वो सामने का पोजीशन तो ऑसम, मतलब सेम टू सेम, आप इसमें अगर बैठोगे तो सेम फील करोगे आप जुरासिक वर्ल्ड में जा रहे हो। सो ये मुझे दिखाना था, देन मैं ये दिखा दिया, ये वहाँ से ही ट्रांसपोर्ट हुआ है, आई एम जस्ट जोकिंग, ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है।
ओके, जैसा कि आपने देखा कि मैंने मैगी कर लिया, मतलब सॉरी, मैंने मैगी बना लिया और उसे खा भी लिया। अच्छा था, यम्मी टेस्ट था। एंड अभी मैं कुछ बहुत पुराना शॉर्ट और ये कैडबरीज का कुछ अच्छा सा है इसे ले रहा हूँ। मेरा सारा सब कुछ हो गया एंड अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से पैकअप कर लूंगा सब चीज़ों को। ओके, मेरा जो सफ़र था यहाँ तक का बहुत ही बेहतरीन था। एंड मैं कुछ और जगह पे जाने वाला था बट मैंने इस स्पॉट को चूज़ कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मिला, मतलब किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया एंड जो स्पॉट मुझे रिकमेंड था उस जगह पे मैं नहीं जाकर मैं यहाँ पे आ चुका। तो जो स्पॉट मुझे मिला था जाने के लिए एंड कैंपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लगा। सही इन द सेंस कि क्राउड था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और ये जैसा कि आपने देखा ही स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है ये। एंड हाँ, ये एक्चुअली प्राइवेट एरिया है और जिसने इस प्लॉट को लिया है वो बाहर इन द सेंस कि आउट ऑफ स्टेट है। सो उन्होंने इस जगह को ले लिया। जब मैं टेंट सेटअप कर रहा था तो यहाँ पे एक मैम आई, उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो। सो मैंने बोला कि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाए क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं किसी से परमिशन ले लूँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आप किसी चीज़ को अगर नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो। एंड रह सकते इन द सेंस कि आप थोड़े टाइम तक यहाँ पे रह सकते हो, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप नाइट स्टे कर लो यहाँ पे। सो मैंने वही सोचा, ठीक है मैं थोड़ा ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बट जो भी है वो क्वालिटी के साथ एंड कंटेंट जो मेरा रहेगा वो आप लोगों तक पहुँचता रहेगा हमेशा। सो जब मैं बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे प्रो हो जाऊँगा, कैंपिंग में प्रो हो जाऊँगा, सो उस टाइम पे आप मुझे अकेला देख सकोगे कि मैं अकेले नाइट स्टे कर रहा हूँ। सो देन यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि जगह जगह पे आपको कुछ ना कुछ लोग कहने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते। एक्चुअली जब अगर आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि आप वहाँ पे कैंप कर सकते हो। इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट पोर्ट ब्लेयर में ऐसा नहीं है। अगर कहीं कहीं पे भी अगर होगा, सो मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया उस जगह को। सो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर हो तो उस चीज़ को मैं फाइंड आउट कर लूँ और फाइंड आउट करने के बाद मैं उस जगह पे एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर वहाँ पे कैंपिंग के लिए कैंपिंग रिगार्डिंग अगर आप कर भी सकते हो कैंपिंग, तो वहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन रहते हैं, जैसे कि आप खाना अंदर नहीं लेके आ सकते, आप खाना खुद नहीं बना सकते एंड वहीं से प्रोवाइड करना होगा आपको उनके रेस्टोरेंट से ही। सो अगर मैं रेस्टोरेंट से खाना लेता हूँ तो मुझे कैंपिंग करने का क्या मतलब, मैं एक टेंट सेटअप करने के लिए ही सिर्फ तो नहीं आ सकता। एंड कैंपिंग का मतलब होता है कि हम बाहर वेदर में रहते हैं, नेचर में रहते हैं एंड अपने घर से दूर और अपने सभी जितने भी कंफर्ट जोन है उनसे बाहर निकल के हम अपने सभी इंक्यूमेट्स को लेके, अपने चीज़ों को लेकर हम उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो उस बेस पे मैं फाइंड करूंगा कि ऐसा कोई जगह मुझे मिले यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल में कैंपिंग करने के लिए एरिया हो। सो अभी तक तो मुझे नहीं मिला। एंड अगर आप जो जो मुझे देख रहे हो, पोर्ट ब्लेयर से अगर जितने भी देख रहे हैं भाई एंड बहनें जो भी मुझे देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि मुझे इंस्टा पे आके आप मुझे डीएम करें कि कौन सा लोकेशन मेरे लिए बेस्ट होगा जहाँ पे कैंपिंग मैं कर सकूँ। एंड उन सभी लोकेशन में आई प्रॉमिस कि मैं उन सभी जगहों पे कैंप करूँगा और आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ को दूंगा। एंड और हालांकि अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ सभी चीज़ों को एंड क्लोज कर दूंगा सेटअप को जल्दी से जल्दी पैक्ड करके सभी चीज़ों को मैं यहाँ से अभी जाने वाला हूँ थोड़ी देर में ही। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सेफ रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों में खुशी ढूंढें एंड सबको खुश रखें। बाय बाय।